जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबू रामदास, मेरे साथ हैं आज भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी, दरभंगा, दरभंगा पहुंच गए आप? तो अब व्यालोक पाठक जी, आप जो ये मार खिलवाने वाला काम सब करते हैं, मैं अपनी पोजीशनिंग नहीं दूंगा कि मैं कहां हूं, क्यों हूं। भाई मेरे बहुत सारे लोग घात लगाए हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा। आगे बोलिए। हाँ, मैं बिहार में हूँ। बिहार में है आप? चलिए, बिहार से गर्मा गर्म खबर आ रही है। अच्छा मुझे बताइए, मैं थोड़ा फॉलो नहीं कर पाया, ये पप्पू यादव का क्या लफड़ा हुआ था? क्या कुछ तेजस्वी बोलती है, फलनवा को मत देना वोट, हमको चाहे बीजेपी को दे देना, ये हुआ क्या था जरा दर्शकों को बता दीजिए ब्रीफ में। आप तो पुरानी न्यूज लेकर आ गए हैं दादा, ये तो बहुत पहले हुआ। अभी के बिहार की ताजा न्यूज तो ये है कि अनंत सिंह पेरोल पर छूटे हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन तेजस्वी के साथ ये हुआ था कि पहले ये समझिए कि पप्पू यादव कौन है। हाँ। पप्पू यादव पूर्णिया के दबंग राजनेता हैं। अब उनको दबंग कहिए, हिस्ट्री शीटर कहिए, माफिया कहिए, बाहुबली कहिए, जो कहना है कहिए। उसी टाइप के नेता हैं जैसे मुख्तार अंसारी टाइप तो नहीं हो पाए, लेकिन जैसे शाहबुद्दीन थे, आनंद मोहन थे, उसी टाइप के थे। अब बहुत माइल्ड हो गए हैं, बहुत टोन डाउन हो गए। वह पूर्णिया समेत, पूर्णिया जो इलाका है वह सीमांचल में आता है, मिथिलांचल का अंतिम और सीमांचल की शुरुआत। पूर्णिया सहित 5-6 सीटें जो हैं संसदीय, उस पर पप्पू यादव का अच्छा प्रभुत्व है। और जब वह जवान हुआ करते थे, जब अपनी पूरी रवानी में थे, तो वह व्यक्ति पहला यादव था जिसने लालू यादव को चुनौती दी थी। उसके बाद नित्यानंद यादव, या उसी समय बीजेपी से नित्यानंद यादव खड़े हुए या जो भी, लेकिन उस यादव समुदाय से कोई व्यक्ति निकले और लालू प्रसाद यादव को चुनौती दे, यह एक बड़ी चीज थी। और फिर मधेपुरा में उन्होंने आरजेडी को हराया भी, बहुत सारी बातें हुई। उस समय से एक खुन्नस दोनों के बीच चली आ रही है। और पप्पू यादव बिहार की राजनीति में येन केन प्रकार सुर्खियों में रहते हैं, चाहे कोरोना में उनका दवाएं लेके पहुंच जाना हो, या बाढ़ आए, मानव जनित बाढ़ आए बिहार में तो नाव लेके निकल पड़ना हो, या जो भी हो। तेजस्वी को इससे दिक्कत है, तेजस्वी सुर्खियां बटोरते देखना पसंद नहीं करते दूसरे, और खासतौर से यादव नेता का। लालू प्रसाद को तो हमेशा से दिक्कत है कि कोई दूसरा यादव न पनप जाए ताकि मेरे बेटे बेटियों की राह ठीक रहे। इस बीच क्या हुआ कि पप्पू यादव ने लग भेड़ कर विजधर राहुल से अपनी बातचीत कर ली, सेटिंग हो गई। यहाँ के भी जो भी आला कमान था बिहार का, बिहार का कांग्रेस का आला कमान इतना महान है कि अक्सर झटके में नाम भी याद नहीं होता है, अखिलेश सिंह है। लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण है, इतने लोकप्रिय हैं कि झटके में मेरे जैसे पत्रकार को भी उनका नाम याद नहीं आता है। खैर, तो कहानी वहां से शुरू हुई जब पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, जन आधार पार्टी, जाप, उसका विलय करवा दिया कांग्रेस में, और शर्त यही थी कि आप मुझे पूर्णिया से टिकट देंगे। इस शर्त पर बेचारे का पूरे गाजे बाजे के साथ उसकी पार्टी का विलय हो गया, और वो व्यक्ति आज से नहीं, पिछले साल भर से या परमानेंट तैयारी में ही रहता है इलेक्शन की। जब सब कुछ हो गया तो माननीय लालू प्रसाद जी ने, घोषित अपराधी चारा चोर ने, अड़ंगा लगा दिया, और लालू की बात सोनिया बहुत मानती है, तो विजधर चले गए खलिहान, जिसको कहा जाता है ना किसी चीज के दक्षिण लग जाना है या क्या हो जाना, भोजपुरी में बोलते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो वहां चले गए, विषधर की चली नहीं और इनका टिकट कट गया। लेकिन चूंकि पप्पू 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा टिकट कटे तो कटे, जोश न घटे। और उसके बाद वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब यह है कि निर्दलीय लड़ते हुए उन्होंने खासी समस्या खड़ी कर दी है आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती के लिए। बीमा भारती के पति भी बाहुबली हैं या थे, और बीमा भारती खुद भी मुंह फट हैं, तेज तर्रार नेत्री मानी जाती हैं। लेकिन पप्पू यादव का बीमा भारती माने लालू की बेटी? नहीं नहीं भाई, वो मीसा भारती।
आप सबको लालू के वो पाटलिपुत्र से लड़ रहे हैं। भीमा भारती अलग है, वो बाहुबली की उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई महतो वगैरह है उसकी पत्नी। इंडिया अलायंस की कैंडिडेट होंगी। हाँ, आरजेडी की इंडिया अलायंस की कैंडिडेट। उनको खतरा हो गया है और इस खींचतान में लग रहा है कि कहीं भाजपा वाले बाजी ना मार जाएं, या फिर पप्पू तो मारेंगे ही मारेंगे, मतलब ऐसा सीन बन गया है। तो अब आरजेडी के तीसरे स्थान पर जाने की, इसी क्रम में नवी फेल तेजस्वी बाबू पहुंचे सभा को संबोधित करने पूर्णिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो जाके एनडीए को वोट दे दीजिए, बीजेपी को वोट दे दीजिए, लेकिन बाकी किसी के बहकावे में नहीं आना है। नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी के बहकावे में नहीं आना है, मतलब पप्पू यादव के बहकावे में नहीं आना है। लोग बहुत कुछ वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं जीत जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं करना। वहीं से ये कालजयी डायलॉग निकला और तब आप जैसे लोग उसकी विवेचना करने लगे, लेकिन यह तेजस्वी की घबराहट को दिखाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने तेजस्वी को हवा भर के भुराया है ना कि बीजेपी के रथ को रोक लेगा बेटा, एकदम पावर में है, बिहार में कुछ कर दिखाएगा, उससे तेजस्वी पर दबाव बहुत बढ़ गया है। और उस दबाव का परिणाम यह है कि तेजस्वी अब चल नहीं पा रहे हैं, उनको दो लोगों का सहारा लेके चलाया जा रहा है। उनकी कमर में भयानक दर्द हो गया है, ओवरवेट तो खैर वो है ही, तो बीमार भी हो गए हैं तेजस्वी। अब ये बीमारी शारीरिक कितनी है और मानसिक कितनी है ये तो अल्लाह मियां जाने। नहीं, मानसिक बीमारी तो पिछवाड़े में दर्द थोड़ी ना उभर जाता है, ऐसा भी होता है मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, अभी पिछवाड़े में दर्द है ना, उनको कहाँ दर्द है? कमर में दर्द कहते हैं, कमर में दर्द है। कमर भी तो पीछे ही होती है बॉडी में। मतलब आप लोग के दिमाग में गंदगी भरी है भाई। पिछवाड़ा मीन्स बैक यार्ड, एनीथिंग विच इज एट द बैक, तो बैक पेन इज ऑल्सो पिछवाड़ा। खैर हाँ, अब वो अनंत कुमार कहाँ है, जेल से छूट गए हैं, कहाँ है, पैरोल पे आए हैं? देखिए, बिहार के एक बहुत मजेदार कैरेक्टर हैं अनंत सिंह, और इनकी भी दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही है, 25 साल 30 साल से। अभी जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं ललन सिंह, किसी जमाने में नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, और ललन सिंह की उपासना राबड़ी देवी ने भी बहुत खुले शब्दों में की थी। अर्चना उपासना एक्सप्रेस जो चलती है ललन सिंह के घर से ही चलती थी, मैंने सुना। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बस यह है कि जब नीतीश कुमार जब मुख्य रेल मंत्री थे तो उन्होंने ये दो ट्रेन चलाई थी, और कहा जाता है कि उन दो नामों का ललन सिंह के परिवार से कुछ लेन देन था। और उसी ट्रेन पे चढ़ते भी थे, ट्रेन पे अपने चढ़ने के लिए ट्रेन चलाए थे। हाँ, तो वो तो भाई ट्रेन चलाएंगे, रेल मंत्री हैं तो ट्रेन पर नहीं चढ़ेंगे तो कहाँ चढ़ेंगे। कभी कभार हवाई जहाज पर चढ़ते होंगे, बाकी तो रेल पर ही चढ़ते थे। और उसी उपासना एक्सप्रेस जी, और उसी बात को लेकर, नहीं ललन सिंह के परिवार से उनका उन नामों का कुछ संबंध है, और इसी बात को लेकर राबड़ी देवी ने बहुत ही असभ्य और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी बाकायदा नाम लेकर। अनंत सिंह उनके धुर विरोधी हैं, और अनंत सिंह है मोकामा बेगूसराय बाढ़ इधर का जो इलाका है उधर के 5-6 सीटों पर विधानसभा की प्रभावी हैं। प्रभावी किस लिए हैं कि मेरी जात का गुंडा गुंडा और तेरी जात का गुंडा वाहियात, मेरी जात का गुंडा रॉबिनो। तो बिहार में जो एक जाति है भूमिहार, अनंत सिंह उससे वास्ता रखते हैं, और बाहुबली रहे ही हैं, उनके भी किस्से हैं कि एक बार कोई गया तो किसी को पंखे से लटका दिया, किसी को कुछ किया, ये सब तरह की है। घोड़ा पालते हैं, बड़ा बड़ा तालाब है हो सकता है उसमें, जैसे इन लोगों के इर्द गिर्द, जैसे राजा भैया के गिर्द गढ़ी गई कहानियां,
या कही गई या उसमें सच कितना है झूठ कितना है कि वो तालाब में मगरमच्छ रखते हैं, शहाबुद्दीन ने हत्याएं की जो भी किया, लेकिन उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी बताया गया कई बार कि उसके खेत में कंकाल गड़े हुए हैं, दोनों तरफ से जाइएगा तो धक 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 ऐसे गोली चलाता था। तो जनता रस लेती है, जनता भारत की जो है वो मूलतः कहानी कथाओं में विश्वास करती है। अब वो अनंत सिंह क्या है कि 15 दिन पहले अचानक उनको पेरोल की याद आई और 2-3 दिन पहले वो छूट गए। पेरोल 15 दिनों के लिए मिला है, 15 दिनों में पूरे इलेक्शन का खात्मा हो जाएगा, बैंड बाजा बज जाएगा। और ये पेरोल मिला किस नाम पर है, तो भाई हमें कुछ खानदानी जायदाद का बांट बंटवारा करना है तो इसलिए हमें बाहर निकलने दिया गया। अब अनंत सिंह के खानदान में कौन उनसे लड़ना चाह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, ये सब खुदा मियां ही जानते हैं। बहुतेरी बातें हैं बिहार यूपी की जो खुदा मियां ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब ललन सिंह की स्थिति चूंकि खराब हो रही थी, इसलिए एक विश्लेषकों का दल कह रहा है कि अनंत सिंह को लाया गया ताकि वो जब अपनी जनता से अपील करेंगे, अपनी जाति से अपील करेंगे, तो उसका फायदा ललन सिंह को मिलेगा। हालांकि ललन सिंह और अनंत सिंह दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मन तो आनंद मोहन और नीतीश कुमार भी थे। फिर नीतीश कुमार ने उनको निकालने के लिए वो सारे कानून बदल दिए, वरना अभी तक आनंद मोहन की रिहाई तो संभव नहीं थी उनकी मौत से पहले। तो जैसे उन्होंने बदला वैसे ही ये आ गए हैं। कुल मिला के ये है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की छाया दिख रही है और वो 1990 का दौर एक बार फिर से डेजावू टाइप हो रहा है, मतलब वही दौर ताजा हो रहा है। पूर्णिया में पप्पू यादव हो गए, इधर आपको अनंत सिंह निकल आए हैं, ललन सिंह हैं, उधर सासाराम में कांग्रेस ने एक जिसको टिकट दिया है वो भाई साहब पोक्सो में बाकायदा FIR है उन पर। तो चौथी सीट भी कांग्रेस की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस वहां से जब जांच होगी तो उसका नामांकन वापस होगा ही होगा और उसका नामांकन रद्द ही होगा, क्योंकि FIR हो चुकी है। अगर नहीं रद्द हो तो ही बड़ा आश्चर्य है। उसके अलावा सिवान में हिना साहब लड़ रही हैं और इन सबसे ऊपर RJD का जो राष्ट्रीय खानदान है, राष्ट्रीय परिवार है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है कि वो उनका वो तो माफियाओं के सरदार हैं, वो तो माफियोसो ब्रदर्स के लिमिटेड के पूरे मतलब हेड ही है। तो वो जो हाइड्रा है 100 सरों वाला, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूरे बिहार में एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे पहले हम लोग सुनते थे कि फलाना है चिलाना है, 8 से 10 सीटें ऐसी होती थी जिस पर बाहुबली जेल से लड़ रहे होते थे या जेल से बाहर हो। इस बार अचानक से मैं देख रहा हूं कि 5-6 ऐसी सीटें हैं जिसपे बाहुबली किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं। आनंद मोहन का नाम लिया मैंने, आनंद मोहन को जबरन निकाला गया जेल से, उसके लिए बहुत सारे जेल मैनुअल में परिवर्तन किए गए, वरना वो जिस मामले में गए थे उसमें जीवन भर किसी पेरोल या किसी तरह की रिहाई का कोई प्रावधान नहीं था। और आनंद मोहन को छोड़ा गया चूंकि, तो उसके साथ साथ 12 और कैदियों को उस नियम के बदलने का फायदा मिला और उसमें कई तो जघन्य अपराध यानी बच्ची से बलात्कार तक के दोषी थे, ऐसे भी लोग छूटे हैं। और आनंद मोहन के साथ दर्जन भर लोग छूटे, उनकी पत्नी लड़ रहे हैं, नीतीश बाबू की है ना सर। हाँ, तब वो बड़े भैया के साथ थे, लालू जी के छत्र छाया में थे और उन्होंने किया, अब उनकी पत्नी भी लड़ रही है। तो कुल मिला के ऐसा सीन है, उनका बेटा विधायक है चेतन आनंद। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से 1990 में चले गए हैं। बस ये है कि अभी तक अपहरण पूरी तरह उद्योग नहीं बना है और हम लोगों की किडनैपिंग वगैरह नहीं शुरू हुई है, बाकी सब बिहार में वैसा माहौल एक बार फिर से दिखता है। मतलब बिहार वो पता नहीं क्या कुछ एक होता है, बच्चे खेलते हैं उसे, वो हाथ में फंसा लेते हैं, कोई बॉल को फेंकते हैं तो वापस आ जाता है, उसको शायद योयो बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते, नाम भूल गया हूं। ये बिहार हमेशा योयो की तरह क्यों बिहेव करता है, मतलब अराजकता से थोड़ा सा निकलता है वापस अराजकता में घुस जाता है, क्या असर, क्या मतलब
इस स्टेट की डायनामिक्स, अराजकता में सुख है ना भाई, अराजकता में कितना सुख है। आप देखिए, आपको कोई कानून मानने की जरूरत नहीं है, किधर से भी चले आइए किधर से भी चले जाइए। दूसरी बात यह है कि आपको बिहार के दुर्भाग्य को समझना पड़ेगा। मैं भी बहुत कठोर बोल देता हूं, जबकि मैं खुद बिहारी हूं, मेरी मातृभूमि है, और यह अलग बात है कि मेरा बिहार लखनऊ तक है, तो मैं, मुझसे यूपी वाले भी बहुत नाराज रहते हैं कि मैं उनके पूरे इलाके को समेट लेता हूं, जबकि मेरा सिंपल सा ये कहना है कि तुम्हारा लखनऊ तक जो सो कॉल्ड तुम्हारा पूरा पूर्वांचल है, उसमें और सिवान में, गोपालगंज में, बलिया में, मऊ में, इस सब में तुम हमको अंतर दिखा दो, चाल चलन रहन सहन किसी चीज में अंतर दिखा दो तो हम मान जाएंगे। अब बिहार के लिए मैं थोड़ी सी तुलना करूंगा, 5 साल पहले का यूपी या 6 साल हो गया, हाँ 6 साल पहले का यूपी सेम था, बाप बाप कर रही थी जनता, लेकिन जो पूरे बिहार की अभी स्थिति है उतना यूपी में केवल पूर्वांचल का रोग था। यूपी को संभालने के लिए क्या क्या था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, एनसीआर के 2 जिले थे, प्लस हिंदू जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें से अधिकांश यूपी में थे। इसके अलावा यूपी में शहर थे, यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, यूपी में बीएचयू था, लखनऊ यूनिवर्सिटी था, मारपीट होती थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, बम कट्टे सब, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो थी, बिहार के पास कुछ नहीं था। और बिहार ने थोड़ी बहुत कोशिश की पूरा जिस जिसने, फिर नीतीश बाबू ने इसको दगा दिया। आज की डेट में आप जान लीजिए कि बिहार सरकार कहती है कि 12-13 करोड़ हमारे नागरिक हैं और उसमें से 35 लाख बाहर रहते हैं। ये सफेद झूठ है, शुद्ध झूठ है, और इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 4-5 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है और उसमें 50% अगर बिहारी नहीं हो तो आप कोई भी सेंसस करवा लीजिए, मूल उनका जौनपुर, बलिया या फिर भभुआ, रोहतास, सासाराम, इसी टाइप का निकलेगा, गोपालगंज, सिवान। मुंबई की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, 30-40% वहां भी है। आप हैदराबाद चले जाइए, आप चेन्नई चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां भी बिहारी मजदूर मरेंगे। और आप तो पंजाब में बैठे हुए हैं, हरियाणा में बैठे हुए हैं, आपको मैं क्या बताऊं, जहां शहीद एक्सप्रेस जाती है तो यहां से तो शहीद एक्सप्रेस रहती है और वहां पर मजदूर एक्सप्रेस हो जाती है, और जहां पर वो ट्रैक्टर वगैरह लेके बैनर वैनर लगा के खड़े रहते हैं, बिहारी मजदूर ले लो, बिहारी मजदूर ले लो, और बाकायदा घरों पर बैनर रहता है यहाँ बिहारी मजदूर सस्ते मिलते हैं। ये सब तो आपकी आंखों देखी होगी, हमने तो इसको किसी दोस्त ने भेजा या किसी उसने देखा। तो आप जानिए कि एक जनसंख्या का बड़ा भाग है जिसको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो अब बाहर काम कर रहा है, हाथ पैर जोड़ लिए हैं उसने, मेरी पीढ़ी में, मतलब हम लोग जो निकले तो वो दूसरा या तीसरा रॉ था पलायन का 97 में, 1990 से पलायन शुरू हुआ, वहां घनघोर पलायन जिसको कहते हैं, जब भूरा बाल साफ करो की आवाजें आई, जब तथाकथित सवर्णों ने अपने नाम से टाइटल हटाना शुरू किया, जब मारपीट होने लगी, जब चीजें बदलने लगी, तो वो पहला वेव था। उसके बाद दूसरा वेव हम लोगों के समय आया, और उसके बाद तो एक के बाद एक वेव आता गया। बिहार के गांवों में या तो आपको निठल्ले युवा मिलेंगे या वृद्ध मिलेंगे। मैं अभी जहां हूं, जिस मोहल्ले में हूं, उसमें कोई घर ऐसा नहीं है जहां मेरे टाइप का युवक बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है वो मजबूरी में है कि एक आदमी माँ बाप की सेवा करेगा, वरना हर एक घर खाली है, केवल गार्जियंस है। एक कारण ये है कि अब जो लोग बचे हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि ठीक है जैसा है चल रहा है, और एक लगातार खराब स्थिति में आप रहते हैं तो थोड़ा भी कुछ होता है तो आपको लगता है कि अरे कितना हो गया, क्योंकि नीतीश बाबू ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर दिया, पहले
फेज में जब वो आए थे 2005 से 10 की मैं बात कर रहा हूँ, 40-50 हजार अपराधियों को अंदर कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलवाए, स्कूलों को खोल दिया, इमारतें बनो जो भी थी जो जब्त हुई उनमें स्कूल खोल दिया, यही सब किया उन्होंने। बिहारी जनता को लगा कि ये कितनी बड़ी बात हो गई। उसी तरह अभी हर घर नल जल पहुंच जा रहा है, पानी आ जा रहा है, ऊपर से मोदी जी ने 5 किलो 6 किलो अनाज एक व्यक्ति को देना तय ही कर दिया है। तो कुल मिला के बड़ा मौज चल रही है साहब, मकान भी बन जा रहा है सबका। आप बिहार के गांवों में मजदूर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अभी एक यहाँ नया सिस्टम चला है धान काटने के साथ, ये मुझे दिखा क्योंकि अभी अभी जस्ट मौसम गया है ना धान काटने का या गेहूं काटने का, किसका पता नहीं, याद नहीं, गेहूं काटने का हुआ है। मैं अभिसार न बन जाऊं कि मैं उतना पहचान लेता हूं धान गेहूं कि धान के खेत में खड़ा होकर मैं कहूं ये गेहूं है, ये रोटी बनती है, उससे खेलते हैं, ऐसा नहीं है। तो गेहूं की कटाई से, और ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है कि मजदूर बोल रहे हैं कि हम जितनी कटाई करेंगे उसका आधा रखेंगे, बटाईदार अलग है मामला, अब जो कटाई करने आ रहा है वो ये बोल रहा है आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है, और इस चक्कर में बिहार की ऐसी तैसी हो ही रही है। और जब तक यहाँ पर कोई तीसरा विकल्प नहीं उभरेगा, बीजेपी को इसलिए मैं थोड़ा यहाँ दोषी मानता हूं कि उस वो जब तक अपने दम पर नहीं लड़ेगी, एक नेता नहीं लाएगी, तब तक इन दोनों पार्टियों से पीछा छूटना मुश्किल है। नहीं सर, बीजेपी कहां से ले आएगी, वोट तो पब्लिक को देना है भाई, बीजेपी को वोट देंगे आप गुंडे बदमाश को बोलेंगे बीजेपी गुंडा, मतलब बीजेपी नेता नहीं ला रही है, बीजेपी मतलब आप पहले बोल दीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ। बीजेपी को नेता लेके आए जिसके सूंड हो, जिसके 8 हाथ हो, आखिर बीजेपी 40 कैंडिडेट खड़ा करती है ना, उसमें से 39 कैंडिडेट को जनता भेजती है। विधानसभा की बात कीजिए तो विधानसभा में 2015 में मौका था बीजेपी के पास, उसी तरह जब नीतीश बाबू दोबारा आए तो बीजेपी के पास मौका था अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने से, बीजेपी को किसने मना किया है। जब वो शाहनवाज आलम को या शाहनवाज खान को, जिसको भी, शाहनवाज को प्रोजेक्ट कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है, वो किसी नित्यानंद राय को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती है। बिहारी वोट उसको देगा, उसको भरोसा ही नहीं है, तभी ना सब समझौता करती है। अब की बार कहा है, एक मिनट, नीतीश बाबू को वापस कहा ले ली पलटू राम को, वही वही तो बिहारी का कोई भरोसा नहीं, हरवा देगा सब, जीतते जीत दे देगा। यूपी वाला का बहुत भरोसा है। एक मिनट सुनिए, बिहारी का सबसे बड़ा गुण है कि बिहारी की कोनो गारंटी नहीं है, चाइनीज माल का गारंटी है। आप बोलते हैं कि बिहारी जब तक है तब तक है, अगर गलती से भी बिहारी ने इस वर्ड मुंह कर लिया तो बिहारी कोई कैसे बिहेव करेगा कोई पता नहीं, घर चला जाएगा, नहीं आएगा, 3 दिन का छुट्टी ले जाएगा, 3 साल नहीं आएगा बिहारी। सर बिहारी का कोई भरोसा ही नहीं है बिहारी। देखिए दादा, एक शरीफ आदमी और एक गुंडा दो खड़ा कर दो, बिहारी गुंडा को ही वोट देगा तो बीजेपी क्या करेगी। देखिए दादा, ये सब साधारणीकरण की बातें हैं, और इस पर अगर बात कीजिएगा तो एक पूरा वीडियो अलग से लगेगा। मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी को जनता ने वोट दिया है 2005 से 1990 से, लगातार दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया। बीजेपी कब अकेले लड़ी है, लड़ लेगी तो 20 सीट पाएगी। अरे भाई, आप लड़के तो दिखाओ ना, पहले आप एक बार लड़े, उस बार नीतीश कुमार ने क्या किया कि आरजेडी जो ध्वस्त हो चुकी थी उसको जाके संजीवनी दे दी। आपको इस बार कम से कम इस चुनाव में नीतीश कुमार के साथ 2015 में लड़े थे, कहाँ नहीं दिया सीट, टेक्निकली इसलिए नहीं दिया कि वही नीतीश कुमार फिर उसमें पहली बार हटे थे, इसलिए नहीं दिया। और आप कोई नेता तो प्रोजेक्ट कीजिए ना, नीतीश कुमार उस समय बम बम थे 2005 से 10 के बीच। सुनिए,
अरे मुझे भी बोलने दीजिए भाई, नहीं तो बिहारी भाई सब कहेगा कि साला बैठ के तुम खुद तो गरियाते भी हो, ददवा से भी गरिया रहे हो और उसका जवाब भी नहीं देते हो। तो जवाब देने दीजिए मुझे। 2010 तक तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे, बम थे, और जनता ने उनको सबसे ज्यादा वोट दिया इसीलिए। और तब 2013 से उनको गलतफहमी हुई कि वो पीएम मटेरियल है। हम लोगों की बात अलग हो रही है। देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, ऐसा नहीं है, बिहारी लगातार पिछले 3 बार से मोदी को लगातार वोट दे रहा है और इतना बम्पर वोट दे रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उस समय 2015 में आप एक बार लड़े और ठीक है आपने ये आकलन कर लिया कि हमको अकेले नहीं वोट दिया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। आप देखिए नीतीश कुमार आज की डेट में डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, लालू प्रसाद कुछ भी कर रहे हैं ऊपर से भी है, तो भी चारा चोर वाली उनकी छवि उनसे दूर नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस वक्त कह रहा था कि अभी भी 1 साल बाकी है, 25 में चुनाव है, बीजेपी को अभी भी अपने किसी नेता को ग्रूम करना चाहिए और 1 साल बाद अकेले चुनाव में उतरना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं। और देखिए फिर लोकसभा की क्या रिपोर्ट है, कितना सीट आ रहा है? लोकसभा में वही रहेगा, कोई बहुत होगा 1-2 इधर उधर। भाई देखिए मैं आरजेडी की बता दे रहा हूँ कि 5 सीटें कहाँ उनकी सबसे पहले कट गई, पाटलिपुत्र चला गया, छपरा चला गया, सिवान चला गया, पूर्णिया चला गया, 4 तो हम ऐसे ही बोल दिए, सासाराम चला गया, हो गया 5 सीट तो ऐसे ही चली गई। दोनों बेटियां हार रही हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, कोई भ्रम इस तरह का ना पालें कि उनकी दोनों बेटियां जीत रही हैं। हाँ मार्जिन छोटी वाली का जिसको पैराशूट जंप कराया सिंगापुर से इन्होंने, उसका अधिक रहेगा, मीसा थोड़े कम अंतर से हारेगी। सिवान में इनका कैंडिडेट इसलिए हारेगा क्योंकि हिना साहब वहां से उतर गई हैं और वो जीतेंगी नहीं, लेकिन वो हराने का काम जरूर कर देंगे। नहीं नहीं वो राजद से नहीं है क्या? नहीं वो निर्दलीय हैं, निर्दलीय हैं, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, शाहबुद्दीन मर गए तो अबैंडन कर दिए लालू। हाँ लालू ने छोड़ दिया, उसके बाद वो गुस्से में है। हाउ जोन है और किशनगंज वाली सीट जहाँ बहुत ज्यादा भाई जान लोग, किशनगंज तो भाई अगर ओवैसी साहब ले गए तो ले गए, वरना वही एक सीट है 39 और +1, वही एक सीट है ना जिस पर कांग्रेस या तेजस्वी कोई भी ले जाए, वो तो मतलब इंडी गठबंधन से जो भी, मतलब उसमें ये दिमाग ही नहीं लगाना है, उस सीट पर तो सोचना ही नहीं है, उस सीट पर सोचने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ओवैसी कुछ कमाल कर दे तो हो सकता है ओवैसी जीत के ले जाए, क्योंकि क्या हुआ था कि 5 सीटें विधानसभा में जीते थे ओवैसी ने, वो ठीक है, उस सबको ले आया आरजेडी में। ओवैसी और राजद लड़ जाए और भाजपा ले जाए, ऐसा कुछ संभावना नहीं बनती है वहां पे? देखिये मुसलमानों की वोटिंग बहुत टैक्टिकल होती है, वो अपना वोट इस तरह बर्बाद नहीं करते कि भाई 40% इसको दे दो 60%, नहीं, अगर उनको लगेगा कि आरजेडी का कैंडिडेट कमजोर है वो तुरंत सारे के सारे ओवैसी को दे देंगे, अगर उनको लगेगा कि ओवैसी में सीन नहीं है वो आरजेडी को दे देंगे वोट। इसलिए वहां भाजपा भाई आप 40-50 में कर सकते हैं ना मामला, 70% में आप नहीं कर सकते हैं, वहां कोई गुणा गणित काम नहीं आता है, अगर काम आ गया तो मैं चमत्कार मानूंगा और कुछ नहीं। चलिए 29 मिनट हो गए, आपने कहा था 30 मिनट में वाइंड अप करना है, आप लोग वैसे एक काम करिए, जैसे ऑटो रिक्शा वाला नहीं है दिल्ली में चार्ज करता है मीटर से, आप लोग ऊपर वाली घड़ी से है ना चार्ज करना शुरू कर दीजिए, तब हम लोग समय से प्रोग्राम खत्म कर दिया करेंगे। चलिए तब आपने समय दिया मेरे लोग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।